सो यहाँ पे HyperOS 1.5 के न्यू अपडेट्स मल्टीपल डिवाइसेस में रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं विद HyperOS 2.2 अपडेट स्टेटस। सो यहाँ पे HyperOS 2.2 अपडेट का स्टेटस मैं आपको कुछ Xiaomi स्मार्टफोन्स का यहाँ पे देने वाला हूँ। सो वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर से करके जाना। सो यहाँ पे सबसे पहले Xiaomi ने Xiaomi 13 अल्ट्रा के लिए HyperOS 1.0.12.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट बेटा टेस्टर्स के लिए पुश कर दिया है, जिसमें आपको सितंबर का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। और इसके लिए HyperOS 2.2 का स्टेटस ये है कि यहाँ पे Xiaomi 13 सीरीज़ के लिए HyperOS 2.2 का अपग्रेड एंड्रॉयड 15 पे दिसंबर से जनवरी के बीच में यहाँ पे रिलीज़ करेगी चाइना रीजन में। सो आर यू एक्साइटेड फॉर HyperOS 2.2 फॉर Xiaomi 13 अल्ट्रा? कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और यहाँ पे अगला डिवाइस है Redmi Note 12s, इसके लिए HyperOS 1.0.5.0 TR स्टेबल अपडेट सितंबर सिक्योरिटी पैच के साथ बेटा टेस्टर्स के लिए पुश हो चुका है। और इसके लिए HyperOS 2.2 आपको क्वार्टर वन ऑफ 2025 में देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि ये डिवाइस Redmi Note 11s का रीब्रांडेड स्मार्टफोन है। सो इसलिए हम यहाँ पे इसके लिए क्वार्टर वन 2025 में ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगला डिवाइस है Redmi Note 12s, जिसके लिए तैवान के लिए न्यू अपडेट और यहाँ पे यूरोप के लिए भी Xiaomi 13 Pro के लिए 1.0.10.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट सेप्टेम्बर सिक्योरिटी पैच। और यहाँ पे Xiaomi 13 सीरीज़ के लिए HyperOS 2.2 आपको दिसंबर तक देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लीक्स निकल के आ रही हैं, क्योंकि Xiaomi 14 सीरीज़ के लिए आपको अक्टूबर में देखने के लिए मिलेगा, जो 100% यहाँ पे कंफर्म है। Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro एंड Xiaomi 14 Ultra। सो यहाँ पे Xiaomi 13 सीरीज़ के लिए आपको नवंबर के एंड से दिसंबर के एंड तक देखने के लिए मिल जाएगा HyperOS 2.2 एंड्रॉयड 15 का मेजर अपग्रेड। Redmi Note 12 4G के लिए यहाँ पे न्यू अपडेट 1.0.10.0 सितंबर सिक्योरिटी पैच। और इसके लिए HyperOS 2.2 दिसंबर के मंथ में ग्लोबल रीजन के लिए पुश किया जाएगा एंड्रॉयड 15 पे, जिसका बिल्ड यहाँ पे HyperOS 2.2.1.0.VMTMNXM यहाँ पे हो जाएगा। सो आर यू एक्साइटेड फॉर Redmi Note 12 4G HyperOS 2.2? कमेंट करें और यहाँ पे कमेंट करके ये बताएं कि आप यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे Xiaomi 12 Pro के लिए टर्की, तैवान, रशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, ग्लोबल, इन 6 रीजन्स में न्यू अपडेट सितंबर पैच के यहाँ पे पुश हो चुके हैं। और इसी के साथ यहाँ पे इसमें भी आपको सितंबर के सिक्योरिटी पैच मिलते हैं। और HyperOS 2.2 इस वाली सीरीज़ के लिए यहाँ पे क्वार्टर वन 2025 में ही एक्सेप्टेड है चाइना रीजन के लिए। और यहाँ पे अगले डिवाइसेस Poco F6 इसके लिए 1.0.5.0 यूरोप स्टेबल अपडेट, Xiaomi 14 CV, Redmi Note 13 Pro, Redmi 13 C के लिए 1.0.6.0, 1.0.5.0, 1.0.4.0। और यहाँ पे Redmi Note 11 टी प्रो प्रो प्लस, जो यहाँ पे इंडिया में K50i एंड ग्लोबल में X4GT है, इसके लिए 1.0.5.0 सितंबर सिक्योरिटी पैच। सो यहाँ पे इन डिवाइसेस के लिए HyperOS 2.2 क्वार्टर वन 2025 में ही एक्सेप्टेड है, क्योंकि चाइना रीजन में ही सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे Redmi Turbo 3, Xiaomi 12 Pro और यहाँ पे Xiaomi CV 4 Pro, Redmi Note 13 Pro में आपको दिसंबर में देखने के लिए मिल जाएगा, Redmi 13 C में आपको अगले साल ही देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे Redmi Note 11T Pro Pro Plus में HyperOS 2.2 Android 14 पर ही बेस्ड होगा। सो इसमें हम क्वार्टर 2 तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो आर यू एक्साइटेड फॉर HyperOS 2.2 Android 15 फॉर दीज Xiaomi स्मार्टफोन्स? कमेंट नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ।